धमतरी जिले की पुलिस टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस की टीम ने थाना मेचका क्षेत्र के ग्राम मांदागिरी की पहाड़ी में सर्चिंग कर मुठभेड़ में एक इनामी नक्सली को मार गिराया। वहीं बाकी नक्सली फायरिंग करते हुए भागने में कामयाब रहे। पुलिस महानिरीक्षक दीपांशु काबरा और धमतरी SP रजनेश सिंह ने बताया कि 3 सितंबर को स्थानीय स्रोत से सूचना मिली थी कि थाना मेचका के ग्राम मांदागिरी की पहाड़ियों पर माओवादियों द्वारा शहीद दिवस मनाए जाने एवं विधानसभा चुनाव के बहिष्कार के संबंध में मीटिंग ली जा रही है। सूचना पर पुलिस की 4 टीमों को रवाना किया गया। पुलिस की टीम मांदागिरी तेंदु डोंगरी पहाड़ी के पास पहुंची, तभी नक्सलियों को भनक लग गई और वे फायरिंग करने लगे। इसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कुछ नक्सली भागने में सफल रहे। वहीं पुलिस ने नक्सली कमांडर जय सिंह और रामदास पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग के दौरान मुठभेड़ में जय सिंह मारा गया तथा रामदास घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकला। जय सिंह गोबरा LOS का कमांडर था और उस पर 5 लाख के इनाम की घोषणा की गई थी। पुलिस ने घटना स्थल की सर्चिंग की तो जय सिंह के पास से एक 9 mm पिस्टल, पिट्ठू जिसमें दैनिक उपयोग का सामान था, मेडिसिन व नक्सली पर्चे बरामद किए गए हैं। धमतरी पुलिस ने पिछले एक वर्ष में 44 ऑपरेशन किए, जिसमें 4 सफलताएं प्राप्त हुई, जिसमें कल की मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर करने में धमतरी पुलिस सफल रही। एक बहुत अच्छा एनकाउंटर धमतरी पुलिस की E30 और SOG बनाई है, उसने किया है, उसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। SP धमतरी रजनीश यहाँ पर हैं और मैं उनको और उनकी टीम को बधाई देता हूँ। और मेरे लिए खुद के लिए ये एक सौभाग्य है कि मेरे आने के बाद ये तत्काल में ये एनकाउंटर हो गया। और ये धमतरी पुलिस का टीम एफर्ट है। जय सिंह मंडावी 35 वर्ष का है, ये गोबरा LOS का अभी प्रभारी कमांडर था। वो उसको इन्होंने इनपुट मिली थी रजनीश को कि करीब वहाँ पर एक ये पूरी LOS इकट्ठी हुई है। मादागिरी है, मेच का पुलिस स्टेशन है धमतरी का, वहाँ की पहाड़ियों पे ये है। और इन्होंने फिर तत्काल, जो बेस्ट पार्ट इसका रहा कि इन्फॉर्मेशन मिलने पर तत्काल टीम मूव करी, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि इन्फॉर्मेशन जब तक हमारे पास आती है और हम लोग वहाँ जाते हैं उसमें टाइम हो जाता है या उनको इनपुट आ जाते हैं तो वो भाग जाते हैं। तो इसमें लोग ने घेराबंदी की, संतरी चूँकि माँ उनके लगे तो उनके फायर के बाद काउंटर फायर हुआ, एनकाउंटर रहा, वो भागे और हमारी टीम उनको पीछा करते रही। और उसके बाद इनसे ये हुआ और इसमें से इसको जय सिंह मंडावी को क्रॉप फायरिंग में गोली लगी। इसके ऊपर 5 लाख का इनाम है जो अभी हमारे रिकॉर्ड से आ रहा है। और इसमें जो टीम है वो है सब इंस्पेक्टर नरेंद्र राठौर के लीड करते और सब इंस्पेक्टर भीमा अर्जुन तांडी, ये दोनों बहुत ही जाबाज अफसर है और इनकी टीम भी बहुत जाबाज है। और इन्होंने पिछले ये 8-10 महीनों में 4 एनकाउंटर्स हो गए हैं। इसमें 2 जो है वो सीता नदी LOS के साथ हुए हैं और 2 ये गोबरा LOS के साथ हुए हैं, जिसमें हमको इसमें सफलता मिली है। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें जो एक नक्सली कमांडर था इनका LOS का, उसको गोली लगी थी लेकिन वो सर्वाइव कर गया था। और उसके बाद में फिर उसको गरियाबंद पुलिस ने ढेर किया था। तो इस तरह से है और अभी ये इसमें करीब 5-7 लोग बचे हुए हैं। मुझे ये है कि हम इस पूरे LOS काम आगे आने वाले दिनों में सफाया कर लेंगे। For more information, log on to www.clips.in.